channel Princess Soul and thank you so much for subscribing my channel. And in case agar abhi tak aapne channel subscribe nahi kiya hai guys, then subscribe my channel and press the bell icon button taki future ki sabhi videos aapko sabse pehle mil sake guys. So, aaj hum baat karte hain. Normally, aajkal bahut hi zyada exercises aur fitness ka trend chal raha hai. Trend kya? It's really necessary also. So, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर हम जिम कर रहे हैं, अगर हम योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो क्या-क्या चीजें हैं जो हमें स्पेशली माइंड में रखनी चाहिए जिससे आप स्टाइलिश के साथ-साथ एक विदाउट एनी इंजरी, जिससे आपको इंजरी भी ना हो, उन सभी टिप्स और ट्रिक्स के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूं. मेरा पूरा वीडियो देखिएगा एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है देन गिव मी अ थम्स अप गाइस. Here is my first tip कि अगर आप exercise कर रहे हैं, आप gym कर रहे हैं, then always wear fitted and comfortable clothes. Fitted and comfortable clothes इसलिए कि जगह अगर आप कोई stretching की exercise कर रहे हैं, या आप कोई भी warm up कर रहे हैं, या आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपके clothes fitted होते हैं, तो इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं. क्योंकि अगर आप लूज क्लोथ वियर करते हैं और अगर आप कोई इक्विपमेंट से एक्सरसाइज करते हैं, देन देयर इज द चांसेस कि इक्विपमेंट में आपके कपड़े फंस सकते हैं एंड ऑल. तो उसके लिए ऑलवेज याद रखिए. और इट्स अ फैशन ट्रिक आल्सो कि अगर आप फिटेड क्लोथ पहनते हैं, देन यू लुक इन योरसेल्फ मिरर एंड यू विल लुक लवली. ट्रस्ट मी, डोंट बी शाय. अगर आप फिटेड क्लोथ पहनते हैं, आपको लगता है मैं मोटी हूं या मेरे को ये सूट नहीं करेगा, ट्रस्ट मी, इट सूट्स ऑन एवरी बॉडी. अकॉर्डिंग टू योर बॉडी पहनिए एंड आप जब एक्सरसाइज करेंगे यू फील द डिफरेंस. अगर आप लूज क्लोथ्स में, अगर खुद को मिरर में भी देखते हैं ना, तो इट सम टाइम आपको खुद भी, आप खुद अच्छे नहीं लगेंगे, तो आप एक्सरसाइज पे कैसे कंसंट्रेट करेंगे. सो फॉर दैट ऑलवेज वियर फिटेड एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स. सेकंड टिप कि ऑलवेज वियर स्पोर्ट शूज. अगर स्पोर्ट शूज मींस रनिंग शूज, चाहे स्पोर्ट शूज हो या फिर कोई भी एनी काइंड ऑफ शूज, यू नीड टू वियर इट. क्योंकि इससे क्या होता है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक प्रॉपर सपोर्ट मिलता है आपके लेग्स को और जो चांसेस होते हैं इंजरी होने के वो भी रिड्यूस हो जाते हैं. एंड बिकॉज़ ये थोड़ी स्टाइलिश टिप भी है, मींस आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग शूज चूज कर सकते हैं, आप फंकी कलर के शूज चूज कर सकते हैं व्हिच गिव यू अ फ्रेश फील. तो आप कोई भी कलर के शूज चूज कर सकते हैं एंड इट विल गिव यू अ फंकी लुक आल्सो. तो आप वो भी चूज कर सकते हैं एंड ट्रस्ट मी इट्स रियली हेल्पफुल. आपके लेग इंजरी कम हो जाते हैं. अगर आप रनिंग कर रहे हैं, आप ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, तो जो लेग इंजरी होने के चांसेस होते हैं वो बहुत रिड्यूस हो जाते हैं एंड आपको एक प्रॉपर सपोर्ट भी मिलता है आपके लेग्स में. सो ऑलवेज वेयर स्पोर्ट शूज गर्ल्स. माय थर्ड टिप व्हिच इज स्पेशली फॉर गर्ल्स कि अगर आप एक्सरसाइज कर रही हैं, ऑलवेज वियर स्पोर्ट्स ब्रा. बिकॉज़ जब आप रनिंग कर रही हैं, जब आप ट्रेडमिल पे भाग रही हैं, देन स्पोर्ट्स ब्रा इट्स रियली हेल्पफुल एंड इट विल गिव यू अ प्रॉपर सपोर्ट टू योर ब्रेस्ट, सो दैट आपके जो ब्रेस्ट लूजन अप होने के चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं. सो ऑलवेज वियर स्पोर्ट्स ब्रा, चाहे आप कोई भी एक्सरसाइज कर रही हैं, चाहे आप जिम जा रही हैं या आप घर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज ऑलवेज वियर स्पोर्ट्स ब्रा. Here is my fourth tip कि अगर आप जिम जा रही हैं, आप एक्सरसाइज कर रही हैं, always carry your water bottle with you. चाहे आप उसमें प्रोटीन ले जाएं, चाहे आप उसमें जूस ले जाएं, या आप चाहे नॉर्मल वाटर ले जाएं, but always carry your water bottle because there is the chances कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी डिहाइड्रेट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं. So उससे बचने के लिए आप अपनी बॉटल हमेशा अपने साथ कैरी कीजिए ताकि अगर आप थर्स्टी फील कर रहे हैं, यू इमीडिएटली टेक अ सिप ऑफ योर वाटर या जूस और प्रोटीन, जो भी आप प्रेफर करें, इट्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, बट ऑलवेज कैरी योर वाटर बॉटल विद योर सेल्फ और प्रोटीन शेक विद योर सेल्फ ताकि अगर आप थर्स्टी फील करें, यू कैन इमीडिएटली हाइड्रेट योर सेल्फ ताकि आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज ना हो. आप क्योंकि वैसे भी वाटर इट्स रियली नेसेसरी. हियर इज माई फिफ्थ टिप विच इज लिटिल बिट रिलेटेड टू हाइजीन कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको स्वेट बहुत होता है. तो
उससे बचने के लिए यू टेक योर टॉवल अलोंग विद योर सेल्फ. आप अपने जिम बैग में या एक्सरसाइज बैग में एक टॉवल कैरी कर सकते हैं, जिससे जब भी आप स्वेटी फील करें यू जस्ट वाइप इट आउट. एंड बिकॉज इट्स रियली हाइजीनिक ऑल्सो, मीन्स जिम में यू डोंट नो कैसे, मीन्स सब हर टाइम के लोग आते हैं एंड यू नो देर इज नो हाइजीन ड्यूरिंग योर जिम टाइम. तो उससे बचने के लिए यू ऑलवेज कैरी योर टॉवल विद योर सेल्फ एंड वेन एवर यू आर फीलिंग स्वेटी, जब भी आप स्वेटी फील करते हैं जस्ट वाइप इट आउट. सो आपको फ्रेश भी फील लगे, ताकि आप बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील ना करें, क्योंकि जब हम स्वेट करते हैं वी फील लिटिल अनकम्फर्टेबल. तो उससे बचने के लिए ऑलवेज कैरी योर टॉवल विद योर सेल्फ, सो आप कॉन्फिडेंट भी रहेंगे. आप इज माई सिक्स्थ टिप विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू हाइजीन, दैट ऑलवेज कैरी योर गुड डिओड्रेंट विद योर सेल्फ. क्योंकि जब आप जिम जाते हैं, आप स्वेट करते हैं, तो चांसेस होते हैं दैट यू कैन स्मेल. सो उससे बचने के लिए, जैसे आपको बहुत ज़्यादा स्वेट आता है और आप स्मेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इन दैट केस, तो उससे बचने के लिए ऑलवेज कैरी योर डिओड्रेंट. मार्केट में बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. तो आप अपना डिओड्रेंट हमेशा अपने साथ रखें, ताकि आपको कोई भी अनकम्फर्टेबल ना हो आप कभी भी एक्सरसाइज करते वक्त, एंड यू फील कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग योर एक्सरसाइज ऑल्सो, एंड यू फील आपकी जो फ्रेग्रेंस है वो आपको हैप्पी हैप्पी भी फील करवाएगी, एंड यू फील फ्रेश फ्रेश ऑल्सो. सो ऑलवेज कैरी योर डिओड्रेंट. दैट इज माई सेवेंथ टिप विच इज रिलेटेड टू फैशन. इट्स नॉट नेसेसरी थिंग, बट इन केस इफ यू वॉन्ट टू एड इट इन योर स्टाइल यू कैन, दैट आप ऑलवेज वेयर स्पोर्ट्स वॉचेज. आजकल मार्केट में बहुत सी वॉचेज अवेलेबल है, यू कैन वेयर एनी वन, क्योंकि इससे आप एक फिटनेस ट्रैकर की तरह भी यूज कर सकती हैं, एंड इट विल एड अप अ लिटिल स्टाइल इन योर डेली लाइफ और इन योर एक्सरसाइज टाइम ऑल्सो, एंड इट विल कैलकुलेट योर कैलोरी, योर फैट बर्न. बिकॉज मार्केट में बहुत से आजकल ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो आप कोई भी वॉचेज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस ले सकती हैं, जिससे आप अपना एक फिटनेस ट्रैकर की तरह यूज करें, ताकि आपको पता हो लाइक अगर आप एक्सरसाइज कर रही हैं आप कितनी कैलोरी बर्न कर रही हैं, यू हैव द आइडिया इन योर माइंड कि आपने आज कितनी कैलोरी बर्न की. और इट विल गिव यू अ फुल मंथ ट्रैकर ऑल्सो, तो आप ट्रैक भी कर सकती हैं अपनी रिपोर्ट, मीन्स अपना जो भी आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो आप ट्रैक कर सकती हैं विद दैट स्पोर्ट्स वॉच. और इट विल गिव यू अ लिटिल स्टाइल इन योर आउटफिट ऑल्सो, तो आप थोड़ी फंकी भी लग सकती हैं. सो ऑलवेज इट्स नॉट नेसेसरी, बट इन यू वॉन्ट इफ यू वॉन्ट टू एड इन योर लाइफ स्टाइल देन यू कैन, आप स्पोर्ट्स वॉच पहन सकती हैं. हियर इज माई एट टिप कि ऑलवेज वेयर, मीन्स आप अपनी कैप अपने साथ हमेशा रखिए, हेड कैप. क्योंकि अगर आप रनिंग करना पसंद करती हैं, या आप धूप में जिम जा रही हैं, या धूप में बाहर जा रही हैं, या आप एक्सरसाइज करते टाइम धूप हो जाती है, तो इट्स रियली नेसेसरी दैट अपनी कैप आप अपने साथ हमेशा रखिए. बिकॉज उससे आपको डीटेन होने के एंड आपके जो हेयर्स में धूप की वजह से आपके जो ऑयल है वो मॉइस्चर चला जाता है आपके बालों से, तो उसके लिए ऑलवेज कैरी योर कैप विद योर सेल्फ इन योर जिम बैग. अगर आप बाहर जाके कोई भी एक्सरसाइज करिए, देन ऑलवेज कैरी योर कैप एंड इट विल गिव यू एडअप इन योर स्टाइल ऑल्सो, यू लुक रियली कूल एंड फन. इज माई नाइन्थ टिप कि जब भी आप जिम कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं, आप अपना रबर बैंड हमेशा अपने साथ रखिए. बिकॉज आप एक्सरसाइज करते वक्त देयर इज द चांसेस कि जब आपके बाल आपके फेस पे आ जाए, देन ऑलवेज टाई योर हेयर बैक साइड टू योर हेड, ताकि आपको एक्सरसाइज करते वक्त कोई भी अनकंफर्टेबल ना लगे आपके हेयर. अगर मान लीजिए आप रनिंग कर रहे हैं एंड आपके हेयर फेस पे आ रहे हैं, तो आप लिटिल अनकंफर्टेबल हो जाती हैं, या आप कोई वेट ट्रेनिंग कर रही हैं एंड आपके हेयर आपके फेस पे आते हैं, तब आप लिटिल अनकंफर्टेबल हो जाती है एंड आपका माइंड आपके हेयर्स पे चला जाता है. तो स्पेशली इन दैट केस ऑलवेज टाई योर हेयर बैक साइड योर हेड, सो दैट आप जब एक्सरसाइज कर रही हैं आपका फुल कॉन्सेंट्रेशन आपकी एक्सरसाइज पर हो, ना कि आपके बालों पर. सो ऑलवेज कैरी योर हेयर बैंड विद योर सेल्फ, ताकि आप जब भी एक्सरसाइज ऐसी कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज करती है जिसमें आपको लगता है कि आप अनकंफर्टेबल फील कर सकती है, यू कैन टाई योर हेयर बैक साइड योर हेयर. माई टेन एंड माई फाइनल टिप विच इज माई पर्सनल फेवरेट टिप, दैट कि आप अपना गैजेट, म्यूजिक गैजेट हमेशा अपने साथ रखिए, जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब भी आप जिम कर रहे हैं, या जब भी आप रनिंग कर रहे हैं. बिकॉज इससे होता क्या है कि आप अपनी पसंद का म्यूजिक सुन सकते हैं, आप कोई भी म्यूजिक अपनी पसंद से सुन सकते हैं. अगर आप रनिंग कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक अच्छा सा माहौल बन जाता है अराउंड यू. तो आप
उस टाइम पर म्यूजिक के साथ साथ अपनी एक्सरसाइज पे भी कंसंट्रेट कर सकते हैं. एंड इट इज़ माई पर्सनल फेवरेट बिकॉज मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, मुझे डांस बहुत पसंद है. तो जब भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ आई ऑलवेज मेक श्योर दैट मैं अपनी हैंड्स फ्री, अपना मोबाइल अपने साथ हमेशा रखूँ, जिसमें एक अच्छी सी प्लेलिस्ट बना के रखूँ जो मुझे एक्सरसाइज के टाइम पे एनर्जाइज रखे ऑल द टाइम. तो यू कैन ट्राई इट बिकॉज इट विल गिव यू अ स्पेशल एनर्जी ड्यूरिंग योर एक्सरसाइज टाइम ऑल्सो. सो आप ये सभी टिप्स ट्राई कीजिए. आपके क्या क्वेरी है रिलेटेड टू दैट, या आप क्या सोचते हैं इसमें कुछ टिप आप ऐड करना चाहते हैं, देन अपने कमेंट मींस मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं इन नेक्स्ट अपने आप सभी के साथ या और जितने भी लोग जानना चाहते हैं टिप्स के बारे में, मैं उनके सभी के साथ शेयर कर सकूँ गाइज. तो कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आप कोई भी टिप इसमें ऐड करना चाहते हैं. एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब माई चैनल. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट बिकॉज फ्यूचर के सभी वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सके, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो. फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री. तो कीप वॉचिंग माई वीडियो, कीप लविंग मी, मीन्स आपका जो लव है उसकी रियली नीड है. तो कीप लविंग मी, कीप शेयरिंग योर थॉट्स विद मी. एंड अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, फिर मिलेंगे गाइज.